और हम जो है रामलला का जो स्वागत करेंगे तो थोड़ा ना ऐसे ही चुपचाप करेंगे, हम तो धूमधाम से करेंगे, हमें कौन रोक सकता है। हम रामलला को थोड़ा ना ऐसे चुपचाप किसी कोने से अंदर मंदिर में ले आएंगे, हम बहुत धूमधाम से पूरे विश्व में इस चीज़ की जो है वो सेलिब्रेशन होगी और एक उत्सव मनाया जाएगा। तो जिस धूमधाम से जिसको जलन हो रही है वही राक्षस है, अब देवताओं का उद्धार होगा और राक्षसों का जो है वो दहन होगा। कंगना मैम क्या कहना चाहेंगे, आप अयोध्या जा रही हैं और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, बहुत सालों बाद अरसे बाद ये मौका आया, क्या कुछ कहेंगी? देखिए हमारी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है कि जो हमारी संस्कृति के हमारी सभ्यता के आधार हैं उनकी आज हमारे जो भारतवर्ष की जो संस्कृति और सभ्यता हैं जो उनके आधार हैं वो फिर से स्थापित होने जा रहे हैं और कई सदियों का ये संघर्ष रहा है। और जब हमारी जो संस्कृति के जैसे मैंने कहा जो पुरुषोत्तम है उन्हें पुरुषों में सबसे उत्तम माना जाता है, जो उनका चरित्र है, तो ये एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है और वो मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो श्री राम है, उनका चरित्र है, एक कॉन्शियसनेस है, वो एक चेतना है। तो ये हमारा जो भारतवर्ष है इसमें एक नए युग की जो है वो आरंभ होने वाला है। तो हमारी खुशी की क्या हम बताएं, कोई सीमा ही नहीं है, हम किस तरह से व्यक्त करें हम बता ही नहीं सकते। मैम आपको अयोध्या का आमंत्रण मिला था, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, बॉलीवुड से भी कई और सेलिब्रिटीज जा रही है, आपको खास इनवाइट मिला है, बहुत कम लोगों को बुलावा आया है, इसकी कितनी खुशी है कि आप इस ऐतिहासिक घटना की साक्षी होने जा रही हैं, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलने वाला है। जी मैं वही कह रही हूँ कि हम ये जाहिर ही नहीं कर सकते हमारी भावना, हम बहुत ही भावुक हैं और मैं तो बहुत राम भक्त रही हूँ, मैं तो श्री राम की बहुत भक्त रही हूँ, रामायण की भक्त रही हूँ, उनकी कथाओं की भक्त रही हूँ, और हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है। हमारे कोई पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्म होंगे जो हमें ये दिन देखने को मिल रहा है, लेकिन सब भारतवर्ष की ये एक सौभाग्य है और ये एक लोक मूवमेंट रही है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति विशेष की ज़्यादा भावना रही है, सारा समस्त भारत एक साथ आया है तो ये दिन आज हमने देखा है। जय श्री राम। एक आखिरी सवाल मैम, जो आलोचना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक राजनीतिक इवेंट है, धार्मिक नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे आलोचना करने वाले? देखिए राम मंदिर बनवाया तो बीजेपी ही नहीं है, ये कई सदियों का संघर्ष रहा है, लेकिन जिन्होंने ये बनवाया है ये उनके मैनिफेस्टो में था तभी वो सरकार आई थी। तो इस भारतवर्ष ने वो सरकार को लाया था क्योंकि वो राम मंदिर बनाएंगे, ये भारत की एक डिमांड थी, भारतीयों की डिमांड थी, और उन्होंने ये काम जो है वो संपन्न किया है। और हम जो है रामलला का जो स्वागत करेंगे तो थोड़ा ना ऐसे ही चुपचाप करेंगे, हम तो धूमधाम से करेंगे, हमें कौन रोक सकता है। हम रामलला को थोड़ा ना ऐसे चुपचाप किसी कोने से अंदर मंदिर में ले आएंगे, हम बहुत धूमधाम से पूरे विश्व में इस चीज़ की जो है वो सेलिब्रेशन होगी और एक उत्सव मनाया जाएगा। तो जिस धूमधाम से जिसको जलन हो रही है वही राक्षस हैं, अब देवताओं का उद्धार होगा और राक्षसों का जो है वो दहन होगा। तो ये थी हमारे साथ कंगना रनौत, जो अयोध्या जाने से पहले जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और अपनी उत्सुकता जाहिर की राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।